मध्य प्रदेश के नर्सिंग कॉलेज में 3 साल से परीक्षा ना होने के कारण नर्सिंग छात्र सड़कों पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। राजधानी भोपाल में NSUI के साथ नर्सिंग छात्रों ने प्रदर्शन कर रैली निकाली। भोपाल के JP अस्पताल परिसर से राजभवन के लिए रवाना हुए छात्रों को पुलिस ने रास्ते में ही रोक दिया, जहां नाराज छात्र छात्राओं ने सड़क पर बैठकर धरना प्रदर्शन किया। NSUI मेडिकल विंग के रवि परमार का कहना है कि 3 सालों से नर्सिंग की परीक्षा नहीं हुई है। नर्सिंग घोटाले की वजह से परीक्षा रोकी गई थी, जो अब तक नहीं हुई है। सरकार दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करे और जल्द परीक्षा कराकर छात्रों के साथ न्याय करे। वहीं छात्रों का कहना है कि 2020 में उन्होंने एडमिशन लिया था, अब तक उनकी परीक्षा नहीं हुई है, जबकि 3 साल गुजर गए हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के नर्सिंग छात्र छात्राओं की, लाखों नर्सिंग छात्र छात्राओं की पिछले 3 सालों से परीक्षाएं नहीं हो रही है। इन परीक्षा की मांगों को लेकर लगातार नर्सिंग छात्र छात्राएं प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हमारी मांग है कि इन छात्र छात्राओं का भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश में एक और मामा शिवराज लाडली बहनों की बात करते हैं, लाडली भांजियों की बात करते हैं, आज ये भांजियां सड़क पर उतरने को मजबूर हो गई। कहाँ है उनके शिवराज मामा? हम शिवराज सिंह चौहान, जो हमारे CM है, माननीय मुख्यमंत्री को बस ये बोलना चाहती हूँ कि वो हमें इंसाफ दिलाए। इंसाफ, हमें इंसाफ चाहिए। किस चीज़ के लिए? हमें हमारे एग्ज़ाम कराइए सर। हमारे सीनियर्स बैठे हैं, 3rd ईयर, 2nd ईयर, किसी के एग्ज़ाम नहीं हुआ। हमारा भविष्य दांव पे लगा है, हम अपने भविष्य को ब्राइट करना चाहते हैं, डार्क नहीं। इसलिए प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए, हमारे एग्ज़ाम डिक्लेयर कराइए। MPMSU की गलती है इसमें, MPMSU हमें इंसाफ नहीं दिला रहा है। हमें इंसाफ चाहिए बस।